2021 में नई मुंबई में बतावनी करके लोगों को गुमराह करके जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको लूटने की कुछ वारदातें हुई थी, जिसमें 2020 में हम कुछ 23 वारदातों में सिर्फ 4 वारदातों को उकल करने में कामयाब हुई थी नई मुंबई पुलिस। लेकिन 21 में हमने इसके लिए स्पेशल स्क्वाड्स नियुक्त किए थे, जिसका नतीजा हमें ये मिला कि हमने पिछले साल 45% तक डिटेक्शन किया, जिसका अगर देखें तो स्टेट में राज्य में ये काफ़ी अच्छी कामगिरी है। सेम स्क्वाड्स की तरफ से कंटिन्यू कार्रवाई हमने रखी थी जारी, तो इसमें पाया गया कि नई मुंबई में जो सारे गार्डन्स हैं, जो गार्डन्स में जो सीनियर सिटीज़न बैठते हैं या मॉर्निंग वॉक को जो लेडीज सीनियर सिटीज़न जाते हैं, तो उनको कुछ सामने दंगा फसाद हुआ है, मर्डर हुआ है, पुलिस खड़ी है, चेकिंग चालू है, तो आप आपके गले में या आपके हाथ में या आपके खीसे में जो जेवर है वो जेवरात इकट्ठा बांध के रखिए ताकि कोई लूटे ना, ऐसा बोलते हुए उनको बातों में उलझाते हुए वो अपना वो जो पुड़ी है वो चेंज करते थे और पूरा जेवरात लेके जाते थे। ये वारदात ध्यान में रखते हुए नई मुंबई पुलिस ने इसमें 2 एक्यूज को गिरोह को गिरफ्तार किया है। एक है यूसुफ सैयद और दूसरा है गणेश शिंदे, दोनों कल्याण के रहने वाले हैं। एक दूसरा जो रिसीवर है जो ये जेवरात खरीदता था, ये जानते हुए भी कि ये चोरी के है, उसका नाम है सूरज रेवनकर जो उल्लासनगर का रहने वाला है। तीनों आरोपी को गिरफ्तार किया। इसमें एक दूसरा वांटेड एक्यूज है जिसका नाम किरण रमणीकलाल शाह है, जिसके ऊपर अभी तक 38 ऑफेंसेस दाखिल है। ये 3 गिरोह को गिरफ्तार करने के बाद नई मुंबई के कुल मिलाकर 25 ऑफेंसेस डिटेक्ट हुए हैं, जिसमें पनवेल के सबसे ज़्यादा 9 ऑफेंसेस डिटेक्ट हुए। इसमें क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के सीनियर इंस्पेक्टर श्री गिरिधर गोरे और ACP श्री वत्स इनके मार्गदर्शन में कुल मिलाकर 10.5 लाख रुपए का मुद्देमाल जो इन लोगों ने चोरी किया था वो रिकवर कर दिया है। अभी एक्यूज हमारे अलग अलग थाने में पुलिस कस्टडी रिमांड में है। हम पता कर रहे हैं कि इन्होंने इसके बावजूद नई मुंबई और बाहर के इलाके में एडजॉइनिंग इलाके में कई ऐसे सेम वारदातों को अंजाम दिया है क्या, इसके तहकीकात क्राइम ब्रांच नवी मुंबई इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है।